नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सेना में जवानों को JEE यानी जूनियर इंजीनियर बनने का सुनहरा मौका, क्या चाहिए इसके लिए क्राइटेरिया और ये कौन कौन जवान है जो JEE बन सकता है। दोस्तों, ये JEE है जो X ग्रुप में आता है, तो यदि आप भी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको गाइडलाइंस मिल जाएगा और आप भी बन सकते हैं। बता दूँ कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो जानकारी वाला वीडियो है आपके पास पहुंचती रहे नोटिफिकेशन के जरिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी जाएगी वह डिप्लोमा कोर्स यानी डिप्लोमा कोर्स के जितने भी क्राइटेरिया है इसके बारे में दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इसका नोटिफिकेशन आपके रेजिमेंट में कब आता है, इसकी लेटर आपके रेजिमेंट में कब आता है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट बैच है जो 1 फरवरी को जिसका एग्ज़ाम होता है आपके ट्रेनिंग सेंटर में, तो उसका जो लेटर है वह आपको नवंबर या दिसंबर में आपके रेजिमेंट में भेज दिया जाता है। और जो सेकेंड बैच है जो 1 जुलाई को जिसका एग्ज़ाम होता है, उसका लेटर आपको अप्रैल महीने में निकाला जाता है, जो आपके रेजिमेंट में भेज दिया जाता है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने क्लर्क से मिलिए और पता कीजिए कि कब इसका नोटिफिकेशन आपके रेजिमेंट में पहुँचा है, और इसके लिए आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं आपके रेजिमेंट के थ्रू। और दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए आपको प्री ट्रेनिंग भी दिया जाता है जो आपके ट्रेनिंग सेंटर में कराया जाता है। तो सबसे पहले बता दूं कि इसमें एज क्या है दोस्तों, तो एज नो लिमिट है, इसकी एज की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका एज कितना होना चाहिए, बट सर्विस की रेस्ट्रिक्शन है दोस्तों। सर्विस आपकी मिनिमम 6 ईयर्स चाहिए सर्विस, और मैक्सिमम आप देख सकते हैं जो सिपाही से नायक है जिसमें लांस नायक भी शामिल है, उसको 12 साल से सर्विस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हवलदार है वो 14 साल की सर्विस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो JCO है वो 18 साल की सर्विस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जब ये डिप्लोमा कोर्स ख़त्म होता है उस समय तक जो JCO साहब का जो सर्विस होगा वो 26 साल से ज़्यादा नहीं होगा, जो हवलदार है उसकी 24 साल से ज़्यादा नहीं होगा, और जो सिपाही से नायक है उसकी 22 साल से ज़्यादा सर्विस नहीं होगा। दोस्तों, आपकी जो सर्विस जो काउंट की जाती है वह 1 अप्रैल यानी जो फर्स्ट बैच है, जो 1 जनवरी से 30 जून तक का जो फर्स्ट बैच माना जाता है उसकी जो डेट है वह 1 अप्रैल से काउंट किया जाता है, 1 अप्रैल तक काउंट किया जाता है। और जो सेकेंड बैच है उसका 1 अक्टूबर तक इसका जो सर्विस का जो डेट है वह काउंट किया जाता है। ये इसीलिए काउंट किया जाता है कि जो सर्विस है, जो फर्स्ट बैच है वह स्टार्ट होता है अप्रैल में, और जो सेकेंड बैच है वह स्टार्ट होता है, जो फाइनल जो क्लास आपका चलता है वो अक्टूबर में स्टार्ट होता है, इसलिए 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर इसमें रखा गया है। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों जो जानकारी है कि यदि आपको JEE बनना है तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा कि आप कोर ऑफ इंजीनियर्स में नौकरी करते हैं, चाहे वो बंगाल इंजीनियर हो, चाहे वो बॉम्बे इंजीनियर हो, चाहे वो मद्रास इंजीनियर हो। आउट ऑफ इंजीनियर्स जो यूनिट है उसमें उसके कैंडिडेट एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ ये इंजीनियर यूनिट के लिए और इंजीनियर कोर ऑफ इंजीनियर्स के जवानों के लिए है। तो यदि आप दूसरे जो कोर है उसके हैं तो कृपया करके आप, ये वीडियो आपके लिए लाभदायक नहीं है, लेकिन आपके जो सहयोगी है कोई जो इंजीनियर में है तो उसको आप बता सकते हैं। और जो नेक्स्ट है दोस्तों वो मेडिकल कैटेगरी आप इसमें आपको सेफ वन होना चाहिए। आप रेजिमेंटल सर्विस की बात करें तो आपको मिनिमम 2 साल आपको रेजिमेंटल सर्विस यानी किसी इंजीनियर यूनिट में आपकी नौकरी होना चाहिए, चाहे वो रिकॉर्ड और सेंटर्स भी इसमें शामिल किया गया है, उसकी सर्विस भी है तो आपको ये चलेगा। अब बात आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट है जो बैटल कैजुअलिटीज की, तो बैटल कैजुअलिटीज आपको है दोस्तों तो उसका स्पेशल रिकमेंडेशन आपको सेंटर कमांडेंट का लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिसिप्लिनरी केस में दोस्तों 2 साल के अंदर, पिछले 2 सालों में आपका कोई रेड एंट्री नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम चांसेस आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे दोस्तों, अगर 3 चांस में यदि आप नहीं पास होते हैं डिप्लोमा कोर्स तो आपको वापस रेजिमेंट में भेज दिया जाएगा, क्योंकि जब तक आप कोर्स नहीं पास होते हैं तब तक आप उसी रेजिमेंट के स्ट्रेंथ में होते हैं जिस रेजिमेंट में आपका पोस्टिंग अभी तत्काल में है, करेंट में जहां आप नौकरी करते हैं उसी रेजिमेंट में की आपके स्ट्रेंथ में काउंट किया जाता है। आप पास जब हो जाते हैं तब आपको रिकॉर्ड के द्वारा आपको तीनों ग्रुप में से किसी में भी आपको भेज दिया जाएगा, लेकिन जितने भी मद्रास इंजीनियर रेजिमेंट है और जो बॉम्बे इंजीनियर रेजिमेंट है उस सभी को बंगाल इंजीनियर रेजिमेंट में, बंगाल इंजीनियर का जो ग्रुप है उसमें पोस्टिंग कर दिया जाता है, क्योंकि जितने भी JEE है उसका पोस्टिंग सिर्फ बंगाल इंजीनियर के जो रिकॉर्ड्स के द्वारा किया जाता है।
अब बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की। जो सिलेक्शन है वह 100% में से 80% जीडी जो जवान होता है उसका सिलेक्शन होता है, और सिर्फ 20% ही क्लर्क और एसकेटी जो होते हैं उसका वैकेंसी उसमें होता है। यदि आप 100 वैकेंसी है दोस्तों 80 जीडी वालों लिया जाएगा और जो 20 है वह क्लर्क और एसकेटी ही लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में। जो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है उसके लिए जो पॉलिसी अभी चेंज हो गया है, जो 20 अप्रैल को इंजीनियर इन चीफ यानी ENC के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जो डिप्लोमा के जो पॉलिसी है उसको जो क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग जो चेंजमेंट हुआ है, तो आपको लास्ट में वो लेटर भी दिखाया जाएगा जो चेंजमेंट किया गया है। तो इसी के बेस पर, उसी लेटर के बेस पर हम अभी आपको बता रहे हैं दोस्तों। जो अभी फर्स्ट बैच है, फर्स्ट बैच जनवरी 2021 से जो चलने वाला है उस बैच तक मात्र 10th पास चाहिए क्वालिफिकेशन और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बात आपको दोस्तों बता दें कि जो आप जो सेकेंड बैच यानी जुलाई 2021 से जो बैच चलेगा उसके लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों। उसके लिए 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ या बायोलॉजी जो है PCM वही सिर्फ एक्सेप्टेबल है। यदि आपको 2 साल का कोई ITI का सर्टिफिकेट है, यदि आप 10th पास है तो ये भी आपका एप्लीकेबल है। और दोस्तों इसमें एक और शामिल किया जाता है कि जो आपका चाहे वो कोई भी हो, चाहे GD हो चाहे क्लर्क्स हो, वो आपका MR2 ये ज़रूरी है। उससे पहले फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपका MR2 होना बहुत ज़रूरी है। जो आपके पार्ट ऑर्डर्स डॉक्यूमेंट्स है उसमें इसका PTO होना ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें किस तरह के सिलेबस होते हैं जो जवानों को तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। आपको बता दें कि इसका एक ही दिन में 4 पेपर्स का एग्ज़ाम होते हैं, टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाता है। तो इसके सिलेबस है जो मैक्सिमम वो 9th और 10th का होता है। तो आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो 9th और 10th से भी जो बुक्स है उससे तैयारी कर सकते हैं। और आपको सिलेबस की बात करें तो ये 50 नंबर का जो फिजिक्स होता है जिसमें 15 नंबर्स ऑब्जेक्टिव होता है और 35 नंबर का आपको सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। दूसरी बात आते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी 50 नंबर्स का होता है, तो 15 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव और 35 मार्क्स आपको सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम होता है। और जो मैथमेटिक्स है वो 75 मार्क्स का लिया जाता है, उसमें आपको 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और 55 मार्क्स का आपको सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम्स होता है। चौथा जो सब्जेक्ट है दोस्तों इंग्लिश है, जो 25 मार्क्स का वो एग्ज़ाम होता है इंग्लिश, जो मोस्टली इसमें ग्रामर पोर्शन ही पूछा जाता है दोस्तों। अब हम आपको वो लेटर्स दिखाते हैं जो ENC के द्वारा 20 अप्रैल 2020 को जो पॉलिसी रिवाइज हुआ था वो दिखाते हैं आपको। ये जो लेटर है जो ENC के द्वारा 20 अप्रैल 2020 को लेटर निकाला गया था, तो ये देख सकते हैं फॉर और रीड कर दिया गया है इसको दोस्तों। फॉर में ये पहले एजुकेशन जो QR था वो मिनिमम 10th पास था, लेकिन अब जो रीड करके उसको ये कर दिया गया है जो 10+2 और प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री यानी PCM कर दिया गया है इसको, या तो आपको 2 साल का ITI की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। इसमें सीरियल नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ है द रिवाइज्ड एजुकेशनल QR विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ सेकेंड बैच ऑफ डिप्लोमा कोर्स 2020। तो ये सेकेंड बैच जो चलने वाला है जुलाई 2021 से, ये उसके लिए एप्लीकेबल है दोस्तों। उससे पहले आपके पास चांसेस है, यदि आप आर्ट्स और कॉमर्स से हैं तो आप फर्स्ट बैच है जो जनवरी फरवरी में स्टार्ट होने वाला 2021 के, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना चांस का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यही जानकारी थी, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि इस तरह की हर तरह की जानकारी हम चाहते हैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।